Hello to all viewers, it's Super Sunday and we have a double header tonight. We have a first match at 2 p.m. Multan Sultans taking on Islamabad United in the evening. It's the hell of a match. Karachi Kings taking on Lahore Qalandar. And every time you know that Karachi Kings and Lahore Qalandar is a match. That's an epic battle. And कुछ लोग तो इसको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कुछ लोग क्या मोहम्मद रिजवान अपने मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी इसको पाकिस्तान इंडिया से रिलेट करते हैं. तो देखते हैं, पहले मैच में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तजुर्बा करते हैं कि क्या मैच का आउटकम हो सकता है, कौन किस पे पल्ला भारी कर सकता है. तो मुल्तान सुल्तान वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पहला मैच खेला जा रहा है दोपहर 2 बजे मुल्तान में, उसमें दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं. दोनों टीमें इस टाइम नंबर 1 और नंबर 2 के स्पॉट्स पे हैं. तो दोनों ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल पेश कर रही हैं, तभी ऊपर है. मुल्तान एक मैच हारा है, 3 में से 2 मैच जीता है. इस्लामाबाद का एक ही हुआ है और उसने बड़ा अच्छा यकतरफा मुकाबले के बाद कराची किंग को मारा था. तो आज का जो मैच, हाँ जी, और मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये टीमें दो फाइनलिस्ट के लिए भी बड़ी फेवरेट हैं कि इन दोनों के दरमियान फाइनल खेला जाता है. फाइनल तो अभी बहुत दूर की बात है, पीएसएल भी स्टार्ट में. अगर इन दोनों का एनालिसिस किया जाए मैच का, तो बहुत ही इवनली पॉइज्ड है. इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो 11 के 11 बंदे बैटिंग करते हैं, और मुल्तान सुल्तान का अंदर हैंड जो उनका मिडल ऑर्डर है, लास्ट टाइम मैंने कहा था, जिनके पास नाम है राइली रोसू, कालन पोलार्ड, डेविड मिलर, ये बहुत ही नामी गिरामी नाम है और किसी टाइम भी मैच को बदल सकते हैं. तो आज का जो मैच मुझे लग रहा है, मुल्तान सुल्तान भी विनिंग मोमेंटम से है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी विनिंग मोमेंटम से है, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग आ रही है कि इस्लामाबाद का जो पावर हाउस है वो मुल्तान सुल्तान को ट्रबल करेगा. एहसानुल्लाह की बॉलिंग लाजवाब हो रही है, वो वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन वाइज बात करूं तो मैं जा रहा हूं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और मुझे लग रहा है ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा. आसान मैच नहीं होगा, लेकिन प्रेडिक्शन की हद तक इस्लामाबाद यूनाइटेड गोना विन इट. लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है. और प्लेयर टू वॉच मेरी साइड से, एहसानुल्लाह वाइटल रोल प्ले करेंगे अपनी पेस से, लेकिन पावर हाउस बैटिंग बहुत ज्यादा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो कहना मुश्किल नहीं होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज जीत रहा है. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है, मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.